हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं पानी बताशे का छोले वाला मसाला। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमने लिया है बॉइल्ड पोटैटो, टोमेटो, ऑनियंस। सो हमें फर्स्टली इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा मीडियम हॉट होने देंगे। ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, फिर टोमेटो एंड ऑनियन को डाल देंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। ये धीरे धीरे फ्राई होते जा रहे हैं। अब इसे इसमें हम करेंगे ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटो, फिर थोड़े से बॉइल्ड पोटैटो, ऑनियन, टोमेटोज और बॉइल्ड पोटैटोज को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा वाटर इसमें हमने वाटर को ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी ऐड कर रहे हैं चिली फ्लेक्स, इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा सॉल्ट, इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी नॉर्मल रेड चिली, हम इसमें ऐड कर रहे हैं चाट मसाला एवरेस्ट कंपनी का। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब हम इसे प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं पानी बताशे का छोले वाला मसाला। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमने लिया है बॉइल्ड पोटैटो, टोमेटो, ऑनियंस। सो हमें फर्स्टली इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा मीडियम हॉट होने देंगे। ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, फिर टोमेटो एंड ऑनियन को डाल देंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। ये धीरे धीरे फ्राई होते जा रहे हैं। अब इसे इसमें हम करेंगे ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटो, फिर थोड़े से बॉइल्ड पोटैटो, ऑनियन, टोमेटोज और बॉइल्ड पोटैटोज को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा वाटर इसमें हमने वाटर को ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी ऐड कर रहे हैं चिली फ्लेक्स, इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा सॉल्ट, इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी नॉर्मल रेड चिली, हम इसमें ऐड कर रहे हैं चाट मसाला एवरेस्ट कंपनी का। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब हम इसे प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। हमने स्टफिंग को एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम बनाएंगे पानी बताशे का पानी एक बहुत ही इजी एंड क्विक चटनी से। पानी बनाने के लिए हमने ली है चटनी। चटनी आप आपके अकॉर्डिंग कोई से भी फ्लेवर की ले सकते हैं। लहसुन, हींग, खट्टा मीठा पानी, एज यू विश, जो पसंद है आपको वो वाले पानी की चटनी आप घर पर तैयार कर सकते हैं। और उसी से अब हम पानी बना रहे हैं। हमने इसमें लिया है अब नमक, काला नमक। अब हम इसे इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हमारा चटनी का पेस्ट। हमने इसे घर पे ही रेडी करा है। हम मिक्स करेंगे चटनी में नमक और काला नमक। हमें हमारे अकॉर्डिंग क्वांटिटी को ऐड करना है, बट याद रहे काला नमक और नमक ज़्यादा नहीं करना है। ये ऑलरेडी चटनी में मिक्स होता है। थोड़ा थोड़ा ही अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा पानी। हमारा पानी अब रेडी हो गया है। इसमें हमने नमक, काला नमक मिक्स करा था। और हाँ, अब मैं आपको चटनी की रेसिपी बता देती हूँ। चटनी बहुत ईजी तरीके से बनी है। उसमें हमने ऐड करा है धनिया, पुदीना, नमक, हरी मिर्ची, कैरी और जो आपकी इच्छा हो आप वाला फ्लेवर उसमें डाल सकते हैं अपने अपने पानी के टेस्ट के अकॉर्डिंग। सो हमारा ये पानी रेडी हो चुका है। अब हम इसे पताशे के साथ और हमारी आलू की स्टफिंग के साथ सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। चलिए अब मैं इसे डिप करके भी बता देती हूँ। हमने इसमें अपनी स्टफिंग ऐड कर दी। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इन्जॉय करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वाह, क्या यम्मी बनी है।